रहमान रहीम, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें एवोगाड्रोस नंबर एंड डिटरमिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर आर कॉन्स्टेंट, जिसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मीन एवोगाड्रोस नंबर, इट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस मीन एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एवोगाड्रोस नंबर को हम एन ए से डिनोट करते हैं एंड इट्स वैल्यू इज 6.02 × 10³। एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, 23 ग्राम सोडियम। 23 ग्राम सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल और उसमें इतने एटम्स होंगे। अगर यहां पर एटम होगा तो उसमें इतने एवोगाड्रोस एटम्स होंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल है 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, सो इसमें इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। मीन अगर यहां मॉलिक्यूल होगा तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। NaCl आयनी कंपाउंड है, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, 1 मोल और उसमें इतने नंबर फार्मूला यूनिट्स के होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। और अगर कोई आयन होगा लाइक 96 ग्राम सल्फेट आयन है, 1 मोल के इक्वल है तो उसमें भी इतने नंबर ही आयंस के होंगे। सो यहां पर जो पॉइंट आपने याद रखना है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो, वो एटम का हो, मॉलिक्यूल का हो, आयनी कंपाउंड का हो या आयन का हो, उनमें जो एवोगाड्रो नंबर है वो 6.02 × 10³ ही होंगे। अगर एटम्स है तो उसमें एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल है तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, आयनी कंपाउंड फार्मूला यूनिट, और अगर आयन है तो उसमें उतने ही आयंस होंगे। नेक्स्ट हम डिटरमिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर हम 6 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और ये फॉर्मूले यूज होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिटरमिन करने के लिए, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, मोलर वॉल्यूम, इन सब के लिए। सो मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन के साथ। अगर हमें वॉल्यूम से मोल में, वॉल्यूम को मोल में चेंज करना हो, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी इसको हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो आप वॉल्यूम को, गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करें मोलर वॉल्यूम के साथ। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 22.414 के साथ आप इसको डिवाइड करें तो हमारे पास मोल आ जाएगा। और अगर आपके पास मैस है, मैस को हमने मोल में चेंज करना है, तो आप गिवन मैस को मोलर मैस के साथ डिवाइड करें तो आपके पास मैस जो है वो मोल में चेंज होगा। अगर आपके पास कोई पार्टिकल्स है और पार्टिकल को आपने मोल्स में चेंज करना है, तो गिवन वैल्यू पार्टिकल्स की डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ, और एवोगाड्रो नंबर कितनी है, 6.02 × 10³ के साथ। अब हमने मोल को अगर वॉल्यूम, मैस और पार्टिकल में चेंज करना हो, यहां पर तीनों में कॉमन पॉइंट अगर आप नोट करें, तीनों का एक कॉमन पॉइंट है कि हमने डिवाइड किया है, यहां भी डिवाइड किया है और यहां भी डिवाइड किया है। जो गिवन वैल्यू होगी नंबर, उसको आप एन से डिवाइड करेंगे, गिवन मैस को मोलर मैस से डिवाइड करेंगे, गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो आपको मोल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको मोल से वॉल्यूम, मैस और पार्टिकल में जाना हो, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मीन मोल से अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो आपको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। मैस से, मोल से आपने मैस फाइंड करना हो, तो आपको मोलर मैस से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको नंबर फाइंड करने हो, तो आपको नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर डिटरमिन करने के लिए एक फॉर्मूला मैं शेयर कर रहा हूं नंबर डिटरमिन करने के लिए। अगर आपको किसी भी चीज के नंबर फाइंड करने हो, तो नंबर का फॉर्मूला है कैपिटल एन, नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू रिक्वायर्ड पार्टिकल जो चीज पूछी जाए इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएंगे। मीन किसी भी चीज के अगर आपने नंबर फाइंड करने, नंबर इज इक्वल टू एन इनटू रिक्वायर्ड पार्टिकल इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब यहां पर हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ चीजें हम फाइंड करेंगे, उनको आप अंडरस्टैंड करें। 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में फर्स्ट में नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम्स, हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. सिमिलर नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन 9.8 ग्राम. सिमिलर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड. सिमिलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन 9. हाइड्रोजन आयन्स इन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड. सिमिलर नंबर ऑफ सल्फेट आयन्स इन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड. एंड सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड. नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड. तो आप सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है आप उसको चेंज करें मोल्स में. सो हमारे पास है 9.8 ग्राम, तो 9.8 ग्राम को आप मोल में चेंज करें. तो मोल के लिए n इज इक्वल टू 9.8, आप उसको डिवाइड करें मोलर मास 98 के साथ. सो आंसर विल बी 0.1 मोल. सो 9.8 ग्राम कितने मोल के इक्वल है? 0.1 मोल के इक्वल है. तो सब के लिए मोल्स हमारे पास 0.1 है. सो आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 मोल इनटू रिक्वायर्ड पार्टिकल. अब रिक्वायर्ड पार्टिकल क्या है? हाइड्रोजन एटम, ये रिक्वायर्ड पार्टिकल है. तो रिक्वायर्ड पार्टिकल्स में क्या है? 2. तो मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो आपके पास आंसर आएगा. सिमिलर सल्फर के आपको एटम फाइंड करनी है, तो H2SO4 में सल्फर कितने हैं? 1. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इनटू एवोगाड्रो नंबर के साथ. अगर आपको ऑक्सीजन के एटम फाइंड करनी है, 0.1 इनटू ऑक्सीजन के एटम कितने हैं इसमें? 4. मल्टीप्लाई बाय 4 इनटू Na. अगर आपको हाइड्रोजन आयन फाइंड करने हैं, वी नो दैट सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होने के बाद दो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं. सो 0.1 इनटू 2 इनटू Na. सल्फेट आयन एक होंगे, 0.1 इनटू 1 इनटू Na. इलेक्ट्रॉन अगर आपको फाइंड करनी है, 0.1 इनटू सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 होते हैं, 50 इनटू Na. अगर आपको प्रोटॉन फाइंड करनी है, 0.1 इनटू प्रोटॉन भी 50 होंगे इनटू Na. और न्यूट्रॉन 48 होंगे, 48 इनटू Na. तो इस तरह से आप किसी भी चीज के अगर आपको नंबर कैलकुलेट करने हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज करें कि नंबर इज इक्वल टू एन इनटू रिक्वायर्ड पार्टिकल इनटू एवोगाड्रो नंबर. आप इस फॉर्मूले में कुछ भी नंबर हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, किसी भी चीज के नंबर जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी. नेक्स्ट अब हम कुछ रिलेशन स्टडी करेंगे मोलर वॉल्यूम, मोल्स और एवोगाड्रो नंबर के. सपोज करें 16 ग्राम CH4 डेट इक्वल टू 1 मोल एंड डेट इक्वल टू 6.02 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स. एंड इसमें वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 मोलर वॉल्यूम, 22.414 डीएम क्यूब होगा. सो दिस इज फॉर 1 मोल. आपने यहां पर रेशियो का एक मेथड अंडरस्टैंड करने है कि हम अगर मास को जिस रेशियो से कम करेंगे उसी रेशियो से मोल्स कम होंगे, उसी रेशियो से नंबर ऑफ एवोगाड्रोस जो हैं उनके नंबर कम होंगे और वॉल्यूम भी उसी रेशियो से कम होगा. लाइक अगर मैं यहां पर 8 ग्राम मीथेन लूं तो ये हाफ मोल है, 0.5 मोल. इसमें एवोगाड्रो नंबर कितने होंगे? 3.01 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स होंगे. वॉल्यूम कितना होगा? 11.207 डीएम क्यूब इसमें मोलर वॉल्यूम होगा. 11.2 डीएम क्यूब जहां भी होगा उसका मतलब है हाफ मोल, ठीक है. सो 11.2 डीएम क्यूब कोई भी गैस होगी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3.01 × 10^23 ही मॉलिक्यूल्स होंगे, और 11.2 डीएम क्यूब कोई भी गैस होगी उसका मोल होंगे 0.5 मोल. अगर हम इसको फर्दर हाफ करें तो 4 ग्राम is equal to 0.25 और इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 1.5 into 10^23 मॉलिक्यूल्स होंगे, और वॉल्यूम कितना होगा? 5.6 dm cube इसका मोलर वॉल्यूम होगा.
सो अगर हम 24 ग्राम लें मीथेन गैस, तो 24 में 1.5 मोल्स होंगे, तो 1.5 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 9.03 into 10 raise 23. आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी, जैसे 1 plus 0.5 1.5 है, और वॉल्यूम भी आप ऐड कर ले 33.6 dm cube जो होगा इसका मोलर वॉल्यूम होगा. सिमिलर आप इसको 10 टाइम कम कर ले, 1.6 ग्राम अगर मीथेन गैस है तो 0.1 मोल और 6.02 इंटू 10 रेस 22 मॉलिक्यूल्स होंगे, और वॉल्यूम कितना होगा 2.2414 डीएम क्यूब उसमें मोलर वॉल्यूम होगा. सो अगर हम 160 ग्राम लें मीथेन तो इज इक्वल टू 10 मोल एंड डेट इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेस 24 मॉलिक्यूल्स होंगे, और वॉल्यूम इसमें कितना होगा 224.14 dm क्यूब जो होगा उसमें मोलर वॉल्यूम होगा. सो ये जो रिलेशन है, अगर आप इस रिलेशन को समझ लें तो हम समटाइम स्टेटमेंट को रीड करते ही उसका आंसर पर पहुंच जाते हैं कि अगर आपके पास 1 मोल होगा तो उसमें ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और मोलर वॉल्यूम है. सिमिलर अगर आपके पास जो है 0.5 मोल है तो उसमें 3.01 and 23 हमेशा मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका वॉल्यूम भी 11.27 dm क्यूब होगा. मीन अगर आपसे पूछा जाए कि 33.6 dm क्यूब किसी भी गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तो ऑलवेज 9.01 10^23 होंगे. इन अदर वर्ड यू कैन से अगर आपको ये वैल्यू गिवन हो 6.02 10^22 तो इसका मीन है 0.1 मोल और उसमें वॉल्यूम कितना होगा 2.2414 डीएम क्यूब उसका वॉल्यूम होगा. सो अगर आप ये वैल्यूज याद रख लें, ये वैल्यूज कुछ कॉमन वैल्यूज हैं जिससे आप स्टेटमेंट पर फौरन पहुंच जाते हैं. अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करती हैं यहां पर ये कॉन्सेप्ट भी हम अप्लाई करेंगे. 22 ग्राम ड्राई आइस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम. अब ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना, मास कितना होता है, 44 ग्राम उसका मास है. तो वॉल्यूम पूछा 22 ग्राम में, तो 44 ग्राम में इसका जो वॉल्यूम है 22.414 डीएम क्यूब जो है उसका वॉल्यूम है, तो 22 ग्राम में उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसको हाफ करेंगे 11.2 डीएम क्यूब जो है उसका वॉल्यूम होगा. सो द आंसर इज अल्फा. नेक्स्ट वन, 6.02 10^22 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैव मास इक्वल टू. अगर आपको ये याद हो कि ये वैल्यू किसके इक्वल है 6.02 10^22, तो अभी हमने पीछे पढ़ा ये 0.1 मोल के इक्वल है. ठीक है, यही वैल्यू जो है, ये भी हमने जो स्टार्ट में कंप्लीट किया था, 6.22 जो है ये किसके इक्वल है, 0.1 मोल के इक्वल है. सो अगर 0.1 मोल के इक्वल है तो किसका मास पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मास है 44 ग्राम. ये किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है. ठीक है, तो 0.1 मोल में मास कितना होगा, 4.4 ग्राम. तो इसको हमने 10 टाइम कम किया है, 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे, सो आंसर क्या होगा, डेल्टा 4.4 ग्राम. नेक्स्ट एमसीक्यू, 20 ग्राम ऑफ हैवी वाटर. हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, हैवी वाटर है D2O, ड्यूट्रियम है D2O, और इसका जो मोलर मास है हैवी वाटर का वो 20 होता है. 20 ग्राम हैवी वाटर ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा. ठीक है, ग्रेटर देन 1 मोल, नो, लेसर देन 1 मोल, नो, इक्वल टू 1 मोल, यस, ये अनप्रेडिक्टेबल, सो दैट इज इक्वल टू 1 मोल के होगा. क्योंकि अगर हम नॉर्मल वाटर लें H2O तो उसका मास जो है वो 18 ग्राम है, क्योंकि यहां पर ड्यूट्रियम है तो उसका मास जो है वो 20 ग्राम हैवी वाटर का मास होगा. नेक्स्ट एमसीक्यू, 1.6 ग्राम मीथेन और कंटेन्स डैश इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बेसिकली क्या पूछा है, नंबर पूछी है, तो नंबर के लिए आपने जो फॉर्मूला यूज करना है, नंबर इज इक्वल टू एन इंटू रिक्वायर्ड पार्टिकल इंटू एन ए. सो नंबर 1.6 ग्राम, तो आपने मोल्स फाइंड करने हैं, 1.6 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ इंटू मीथेन CH4, तो CH4 में इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन के 4 हाइड्रोजन के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ इंटू 6.02 10^23 एन ए है. सो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या होगा, 10, ये आपस में कैंसिल होंगे तो आंसर क्या होगा, 1 इंटू एन ए. So the option is A. Next MCQ.
विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन वन मोल के इक्वल जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 1.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइन, 1.9 ग्राम ऑफ हाइड्रोनियम आयन. सो हमें नंबर एवोगैड्रो नंबर के इक्वल फाइंड करने हैं, तो 1.8 डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 18 के साथ. वाटर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 10 होते हैं, तो ये किसको इक्वल आ गए, 1 Na के इक्वल आ गए. 1.7 ग्राम हाइड्रोक्सिलाइन, हाइड्रोक्सिलाइन 1.7 ग्राम उसका मोलर मास जो है हाइड्रोक्सिलाइन का 17 ग्राम है और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1. 1.9 ग्राम हाइड्रोनियम आयन, तो 1.9 डिवाइड करेंगे उसका मोलर मास हाइड्रोनियम आयन का 19 है, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1. सो सब में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.0123 molecules of neon occupies. जैसे ही आप ये वैल्यू देखें तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए दिस इज फॉर हाफ मोल के लिए है. पूछा क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ नियॉन ऑक्यूपाइज. अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देने के बाद आपसे वॉल्यूम पूछे है. वी नो डेट दिस इज फॉर हाफ मोल के लिए ये वैल्यू है, तो हाफ मोल के लिए वॉल्यूम क्या है, 11.2 डीएम क्यूब जो होगा ये वॉल्यूम होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of following have maximum number of atoms? Maximum number of atoms किस में है, तो जिसके moles ज्यादा होंगे, अगर तो सबके number of atoms equal हैं, जिसके moles ज्यादा होंगे उसके number of atoms equal होंगे. यहां पर है 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, तो 16 ग्राम किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है, और ऑक्सीजन में एक ही एटम होते हैं. 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस की अगर हम बात करें तो 16 ग्राम जो है ये 0.5 मोल है, ऑक्सीजन गैस में 2 एटम है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1. 16 ग्राम ऑफ ओजोन, 16 ग्राम ऑफ ओजोन है, तो ओजोन जो है 16 को डिवाइड करेंगे 48 के साथ, तो ओजोन में 3 है, तो आपके पास ये भी 1 मोल आएगा. सो आंसर क्या होगा, आई हैव द सेम नंबर, क्योंकि ओजोन में 3 एटम्स हैं, उसका मोलर मास 48 है, तो यहां पर 16 और 40 इनटू 3 करेंगे, यहां भी 1, यहां भी 1, तो सबके पास नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.12 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन कैरीज द मास. तो हमने बताने की 1.12 डीएम क्यूब में ऑक्सीजन गैस जो है वो कितना मास कैरी करती है. वी नो डेट 32 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 22.414 डीएम क्यूब के इक्वल है, ठीक है. 16 ग्राम ऑक्सीजन 11.2 डीएम क्यूब के इक्वल होगा. 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस किसके इक्वल होगा, 11.2 डीएम क्यूब के इक्वल होगा. और अगर 1.6 हम लिखें, मीन 10 टाइम कम करेंगे, तो ये होगा 1.12 डीएम क्यूब के इक्वल होगा. अब इस वॉल्यूम में मास पूछा है, तो मास कितना होगा, 1.6 ग्राम मास होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 8 ग्राम ऑफ मीथेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि 8 ग्राम मीथेन किसके इक्वल है. 8 को डिवाइड करेंगे 16 मोलर मास के साथ, हमारे पास 0.5 ये हमारे पास उसके मोल्स आ गए हैं. So, तो क्या पूछा है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि 8 ग्राम मीथेन में है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड या 4 ग्राम ऑफ हीलियम. सो आंसर इज 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. बेसिकली यहां भी नाइट्रोजन जो है ये गैस की फॉर्म में होगी, ऑक्सीजन 1 मोल के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1 मोल, नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू 0.5 मोल, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल के इक्वल है, और 4 ग्राम ऑफ हीलियम आल्सो इक्वल टू 1 मोल के इक्वल है. सो तो हमें हाफ मोल फाइंड करना था और हाफ मोल में ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 amu ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स अ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. अब 32 amu इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, तो इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे, बिकॉज 2 O2 है, तो इसमें ऑक्सीजन के एटम 2 होंगे. याद रखिएगा 2 N ही नहीं होगा, जस्ट इसमें 2 एटम्स होंगे, क्योंकि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास दिया है, सो इसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, दे आर 2 एटम्स.